हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट अपडेट्स में। जो भी साथी हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर इम्पोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, कुछ साथियों के पास नोटिफिकेशन के इशू की वजह से वीडियो नहीं पहुँच पाता है, तो प्लीज़ आप अपने चैनल पर विजिट करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर ले ताकि हमारे चैनल की हर वीडियो की अपडेट आप तक टाइमली पहुंचती रहे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अगेन एवेक्सिया लाइफ केयर शेयर के बारे में। जैसा दोस्तों कल ही मैंने आपको इस कंपनी के बारे में अपडेट दिया था कि आज जो है 29 अप्रैल को इस कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग को बुलाया गया था और आज वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई है और उस मीटिंग का जो आउटकम है वो हमारे सामने आ चुका है। इस वीडियो में हम उस कंपनी जो आज मीटिंग हुई है उसके आउटकम के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आज के दिन शेयर की परफॉर्मेंस की बात करें तो आप देख सकते हैं कि क्या ज़बरदस्त स्टॉक में तेज़ी हमें देखने को मिली है और मार्केट के लास्ट आवर के दौरान जब पूरा मार्केट प्रेशर में था उस समय आप देख सकते हैं स्टॉक में हमें अपर सर्किट देखने को मिला है। तो चलिए दोस्तों, अब हम डायरेक्टली उस जो आज आउटकम आया है उस पर मैं आपको डायरेक्टली लेकर चलता हूं। तो आप यहां देख सकते हैं कि आज ये 29 अप्रैल मींस आज का अभी का ये नोटिस है और एवेक्सिया लाइफ केयर कंपनी जो है इन्होंने ये नोटिस BSE को मींस शेयर किया है। आप इसमें देख सकते हैं, सबसे पहला पॉइंट आप देख सकते हैं कि कंपनी ने जो स्टॉक स्प्लिट, जैसा मैंने आपको कल बताया था कि कंपनी स्टॉक स्प्लिट करने जा रही है, तो उसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो कंपनी ने 25 मई जो है कंपनी ने रिकॉर्ड डेट को फिक्स किया है। आगे आप देख सकते हैं मिस्टर सलील जी हैं उनको रीअपॉइंटमेंट उनकी की गई है एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। आप सेकंड पॉइंट में यहाँ देख सकते हैं कि मिस्टर सलील जो है उनको रीअपॉइंट किया गया है। आगे आप देख सकते हैं मिस्टर कार्तिक कुमार जी इनको भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नॉन एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट किया गया है। ये अपॉइंटमेंट्स जब किसी भी कंपनी में जब नए प्लान्स एग्जीक्यूट होते हैं तो उस समय के दौरान जो ये अपॉइंटमेंट्स हैं वो होती हैं और ये बड़ी ही अच्छी चीज़ होती है कि नए मैनेजमेंट के हाथों में नया काम सौंपा जाता है। आगे आप देख सकते हैं फोर्थ इम्पोर्टेंट पॉइंट फंड रेज का। कंपनी जो है 100 मिलियन US डॉलर जो है कंपनी जो है वो फंड रेज करेगी। तो ये आज के जो ये कंपनी की मीटिंग हुई थी उसकी आउटकम हमें देखने को मिली है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो था वो ये था कि आज कंपनी जो है रिकॉर्ड डेट कंपनी ने फिक्स की है स्टॉक स्प्लिट की और 25 मई आपको याद रखना है। अगर आपको 25 मई तक आपके पास भी इस कंपनी के शेयर होंगे तो आपको भी स्टॉक स्प्लिट का बेनिफिट होगा। और स्टॉक स्प्लिट किया कितना गया है आप यहां सीधा देख सकते हैं। फेस वैल्यू जो है 2 रुपये थी उसको तोड़कर 1 रुपये तक किया गया है। तो दोस्तों, जो ये मीटिंग थी इसका जो इफ़ेक्ट था वो आज ड्यूरिंग द मार्केट हमें देखने को मिला है। हालांकि ये आउटकम जो आई है वो मार्केट क्लोज होने के बाद हमें देखने को मिली है, बट पहले से ही क्यास लगाए जा रहे थे कि अच्छा ही आउटकम निकल कर आएगा। तो इसी वजह से ड्यूरिंग द मार्केट ही लास्ट आवर में स्टॉक में हमें अपर सर्किट देखने को मिला है। वहीं अगर मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट डाटा दिखाऊं तो आप यहां आज का वॉल्यूम का डाटा देख सकते हैं कि आज स्टॉक में ज़बरदस्त तरीके से 1 करोड़ शेयर्स की ट्रेडिंग हमें देखने को मिली है। कल भी 1 करोड़ शेयर्स की ट्रेडिंग हमें देखने को मिली थी। उससे पहले अगर हम बात करें तो एक मंथ पहले सिर्फ 72 लाख शेयर्स की ट्रेडिंग होती थी एवरेज, अब वो चीज़ हमें बढ़ती हुई दिखाई दी है क्योंकि कंपनी की मैनेजमेंट ने अच्छा डिसीजन लिया है और शेयर होल्डर्स जो है उनकी कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा बेनिफिट हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, बहुत बढ़िया ये अपडेट आई है एवेक्सिया लाइफ केयर शेयर होल्डर्स के लिए, क्योंकि जैसा आप सभी को पता है इस स्टॉक में
काफ़ी ज़्यादा ये स्टॉक पिछले एक साल में क्रैश हुआ है और इसके जो शेयर होल्डर्स हैं वो लगातार परेशानी में हैं, तो उनके लिए आज रिलीफ भरा डिसीजन जो है वो कंपनी के एंड से आया है और कंपनी ने 25 मई जो है स्टॉक स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट दे दी है। इसके अलावा कंपनी फंड रेज करने जा रही है, अपॉइंटमेंट्स की गई हैं, तो अब जो है इस कंपनी के दिन हमें बदलने वाले हैं और उसका आज इफेक्ट भी हमें इस स्टॉक के प्राइस में हमें देखने को मिलेगा। अब आगे जो है स्टॉक में हमें अच्छी खासी और भी तेज़ी हमें देखने को यहाँ इस स्टॉक में मिलेगी। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट मुझे आप सभी को देनी थी। जैसा मैंने आपको कल ही बताया था कि जैसे ही इस कंपनी की आउटकम आएगी मैं आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट करूँगा, तो आपको आउटकम या आपको इस वीडियो में जो बताया गया है वो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।